हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। सो गाइस, अगर आप लोग डीआरडीओ के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन की, चाहे आप टाइपिंग के एलडीसी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डीआरडीओ के एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी कि आप लोगों का स्टेनोग्राफर ग्रेड 1-2 और आप लोगों की एलडीसी की सारी पोस्ट वगैरह के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, 75 मार्क्स में से आप लोगों को किस तरीके से मार्क्स लाने हैं और आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ताकि आप लेके एक जॉब जो है पक्की सुनिश्चित कर सके डीआरडीओ के अंदर। डीआरडीओ की पोस्ट जो है गाइस, वो ऑल इंडिया है, पैन लेवल पे है, और इसका जो पेपर है वो भी आप लोगों को पता है कि पैन लेवल पे होगा, मतलब ऑल इंडिया होगा, और इसमें आप लोगों के होम टाउन, होम स्टेट मिलने के भी काफी 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 हाई चांसेस है, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों से प्रेफरेंस फॉर्म पहले ही भरवा ली गई है कि आप लोगों को किस तरीके से स्टेट चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, कि डीआरडीओ का एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, क्या प्रोसेस चल सकता है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, डीआरडीओ इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत कम एग्जामिनेशन जो है स्टेनो और एलडीसी के लेती है, वो टेक्निकल एग्जाम ज्यादा लेती है। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का बहुत कम रेफरेंस है जिसे हम देख सके, और प्रीवियस ईयर से इस बार का डेटा टोटली चेंज हो गया है। किसी जमाने में डीआरडीओ में इंटरव्यूज वगैरह भी हुआ करते थे, पहले वो हटाया गया, फिर एग्जामिनेशन का लेवल जो था वो अलग तरीके से होता था, फिर आप देखोगे तो पहले के एग्जामिनेशन में हिंदी वगैरह भी आती थी, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया, पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी वो भी हटा दिया गया। तो इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर से इस डेटा को रिलेट करोगे तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिकॉज चीजें चेंज हो रही है, डिफर हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो और ये नया मेंस देने जा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर का मेंस आपको रेलेवेंस नहीं रखता कि आपका इंग्लिश और मैथ्स में उस वक्त क्या स्कोर था। हाँ, आप ये देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, बट अगर आप उस डेटा से इस डेटा को कंपेयर करोगे तो कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे ही डीआरडीओ में बन चुका है। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर का रेफरेंस ले रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। अभी यहाँ पे आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस हिसाब से चीजें चल रही है। और बात रही आरटीआई के रिप्लाईज की, कि आरटीआई का रिप्लाई डीआरडीओ का नहीं आया है अभी तक, सो गाइस अभी तक तो नहीं आया है। अगर आया, वैसे मुझे पता नहीं है कि डीआरडीओ आरटीआई रिप्लाईज देते हैं कि नहीं देते हैं, बिकॉज मैंने डालने का ट्राई किया था, डाला नहीं था। तो अगर ये लोग देते हैं तो वेल एंड गुड, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, बट अगर नहीं देते हैं तो फॉर श्योर आपको भी डेटा पता नहीं चल पाएगा। बट मैं इतना जरूर बता सकती हूँ, एक बार वैकेंसीज पे नजर डालते हैं, ये रही वैकेंसीज। So guys, आपके स्टेनोग्राफर की 100 वर्ड पर मिनट के लिए 215 वैकेंसीज है, और 80 के लिए आपकी 123 वैकेंसीज है। इंग्लिश टाइपिंग में 250 वैकेंसी है, हिंदी में 12 वैकेंसी है, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में 134 वैकेंसी, और हिंदी में 4 वैकेंसी है। देखा जाए, मोटा मोटी देखी जाए, हम लोग देखें तो 700 के करीब वैकेंसीज है हमारे पास, तो अच्छे खासे एस्पिरेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो फॉर्म है ना, कम से कम 1-1.5 लाख बच्चों से ऊपर बच्चों ने ये फॉर्म भरा ही होगा फॉर श्योर, बिकॉज इस वक्त एसएससी स्टेनोग्राफर के बच्चों ने पेपर दे रखा था वो ये फॉर्म भरेंगे, सीएचएसएल से पहले फॉर्म आया वो भी ये लोग भरेंगे, और फॉर्म कुछ खास महंगा भी नहीं था और कैटेगरी वालों के लिए फ्री था, तो डेफिनेटली बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं और अपीयर भी होते हैं। इस फैक्ट को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। इसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है कि ये है वो है, अब जो चीजें जैसे चल रही है वो वैसे ही चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार मैंने आपको वैकेंसीज दिखा दी, तो आप ये एक चीज बता दूं कि जो ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप एलिजिबल थे, और ग्रेड 2 के लिए अगर आपने 12th पास कर रखी थी तो आप एलिजिबल थे। तो फॉर श्योर 80 वर्ड पर मिनट में ज्यादा बच्चे भरेंगे एज कंपेयर टू ग्रेजुएट, ओके। वही चीज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में है और स्टोर असिस्टेंट में, दोनों में 12th पास ही मांगा था। 18 से लेकर 27 साल तक आपका एज ग्रुप होना चाहिए, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जो है वो आराम से आपका मिल जाएगा, ठीक है। और गाइज, अगर आप लोग डीआरडीओ के मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हो, 116 मॉक टेस्ट टेस्ट बुक ने अपलोड कर दिए हैं, 116 मॉक टेस्ट, उसमें स्टेनोग्राफर के क्लर्क के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर आप लोग मेरा कोड यूज करें, एक्सीएल बेसिक सर। क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल वैसे ही चल रही है, तो ये कोड लगाने से और दुगना सस्ता हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट, और आपको काफी किफायती तरीके से ये मिल जाएगा। तो ये कोड यूज करना ना भूले, बहुत ही अच्छा कोड है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी कोड पे मिलेगा। और एक बार एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। डीआरडीओ हैज नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, चाहे स्टेनो हो चाहे आपका एलडीसी का पोस्ट हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
60 मिनट, मतलब 1 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 75 क्वेश्चंस होंगे, अगर 80 क्वेश्चन होते तो हम 20-20 का लगा सकते थे। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों का किस हिसाब से क्वेश्चंस चलेंगे, इंग्लिश में तो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जीएस में मुझे लगता है कि आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे और क्वांट्स में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ये उल्टा भी हो सकता है कि जीएस में आपके 20 और क्वांट्स में 15, मतलब ओवरऑल आपको सारा ही पढ़ना है क्योंकि 5 नंबर से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और देखो डेस्यू एक एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पे भी कट ऑफ हाई गई थी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चक्कर में बच्चे सारे मार्क करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है तुक्के की, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको LTC, जो कि ये 4 पोस्ट है ना, असिस्टेंट की और स्टोर असिस्टेंट की, मैं आपको इसका सेफ स्कोर बता रही हूँ। हिंदी वाले इसको बढ़ा लें, बिकॉज हिंदी में बहुत कम वैकेंसीज है, हिंदी वाले इसको एटलीस्ट 3-3 मार्क्स से बढ़ा लें, ठीक है। मैं रॉ स्कोर बता रही हूँ, रॉ बता रही हूँ। नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों का देखते हैं होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होना ही होना है, तो UR से एटलीस्ट आपको 62+ करना पड़ेगा वहां पे स्कोर, ओबीसी से 59+, एससी से 53+, एसटी से 49 और ईडब्ल्यूएस से 56, अगर आप टाइपिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो। और अगर आप लोग स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो ये आपका सेफ स्कोर, यूआर से 60+, पहले पूरी वीडियो देखें फिर अंदाजा लगाएं, ओबीसी से 57, एससी से 50 और एसटी से आप लोगों का 47 और ईडब्ल्यूएस से 55। अगर आप इससे ऊपर स्कोर ला रहे हैं तो आपको कोई ना कोई जो आपका स्टेट है वो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी प्रेफरेंस भरवाई गई है। अगर आपने सिर्फ एक डाली है तो वो आपकी गलती है, बहुत सारे बच्चों ने सारी ही स्टेट्स को प्रेफरेंस में डाला है ताकि एक नहीं तो दूसरी स्टेट उन्हें मिल ही जाए किसी भी हालत में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने जो स्कोर बताया सेफ स्कोर तब बताया जब आपका पेपर जो है मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, ना इजी आ रहा है ना बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो आप इसे डेफिनेटली कमी कर लोगे, क्योंकि एवरेज स्कोर देखा जाएगा बच्चों का, और अगर ये स्कोर मतलब इजी आता है बहुत ज्यादा पेपर तो आप लोग जो है स्कोर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वहां पे पता चलेगा पेपर किस लेवल का आएगा, पेपर इजी टू मॉडरेट ही आएगा, डोंट वरी। अब आपको इसका जो है वो कहां मिल सकता है, प्रीवियस ईयर अड्डा वगैरह पे देख सकते हो, नहीं तो आप लोग अपने SSC के पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहो, वहीं से पेपर उठकर आएगा फॉर श्योर, आप लिखवा लो। DSU में भी यही हुआ था, GS को छोड़ के सारा पेपर CGL जैसा ही आया था, वहां पे भी CGL CHSL जैसा, तो यहां पे भी पेपर जो है अप्रोक्सीमेटली SSC जैसा ही आएगा। तो अभी लेटेस्ट पेपर जितने भी SSC के हो रहे हैं उन सबकी आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं डेली टाइम टेबल DRDO और KVS का प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाओ चेकआउट करो और फॉलो करो। अब बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन DRDO का कब तक हो सकता है, एडमिट कार्ड कब तक आउट हो सकते हैं। सो गाइज, आपका ये एग्जामिनेशन जनवरी के एंड के बाद ही होगा और 15 से 20 जनवरी के बाद आपके एडमिट कार्ड्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। अभी आपके एग्जामिनेशन को होने में कम से कम आराम से 25-30 दिन है, तो आप अपनी तैयारी जीतोड़ तरीके से करो। और मैंने आप लोगों को 50% सिलेबस जो है अपने टाइम टेबल के माध्यम से करवा भी दिया है, ओनली 50% बचा है, उसकी भी मैं गारंटी लेती हूँ कि 20 जनवरी तक पूरा करवा दूंगी। DRDO और KVS में आपकी सीट पक्की होगी अगर आप मेरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो। SSC स्टेनोग्राफर 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ है प्री, उसमें भी 50 से ऊपर बच्चे अपनी परीक्षा की तरफ से सिलेक्ट हुए, 140+ स्कोर उनका आया है रॉ। तो यहां भी मैं गारंटी लेती हूं कि DRDO और KVS में भी आप लोगों का स्कोर बढ़िया ही आएगा, शर्त यह टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी बहुत शिद्दत से। अब बात करते हैं कि ये कट ऑफ वीडियो वगैरह जो है, सॉरी जो कट ऑफ मैंने बताई आप लोगों को किस बेसिस पे बताई है, गाइस मैंने एवरेज देखा है, जो बच्चे जो है मॉक टेस्ट वगैरह में स्कोर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जब भी ये पेपर हुए तो अप्रोक्सीमेटली कितना स्कोर गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन, मैंने बताया कि अब आराम से जनवरी लास्ट के बाद ही होगा, तो फरवरी फर्स्ट वीक तक होने के चांसेस हैं और 20 तारीख के बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह बता देंगे। अकॉर्डिंग टू DRDO वो 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज करके दे देंगे, तो चिंता मत करो, आपको 15 दिन पहले पता चल जाएगा कि आपका पेपर कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फोकस ये रखो कि आपको हाई से हाई स्कोर करना है और अपनी सीट पक्की करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि मिशन मोड रिक्रूटमेंट के तहत आपकी ये वैकेंसीज भी आई हुई हैं, काफी फास्ट तरीके से फिलअप हो जाएंगी। सो डोंट वरी, अपनी पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट आए लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड टेस्ट बुक के लिए जो मेरा कोड है वो जरूर यूज कर लेना, उससे आपको लिटरली बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आए लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।